गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम तवांग। अभी ऑल सेट और हम लोग जा रहे हैं अभी बुमला पास, और बुमला पास का परमिट भी हो गया। तो बुमला पास के लिए परमिट निकालना पड़ता है, यहाँ के एजेंट्स थ्रू भी निकाल सकते हो। मैं आपको एजेंट का नंबर दे दूंगा, मैंने एजेंट थ्रू निकाला है, और खुद से भी निकाल सकते हो। तो सामान तो यही होटल में रख के जाएंगे रिसेप्शन पे, और फिर चेकआउट करके निकलते हैं। All set. Bike भी set. तो अरुणाचल में तो पहला परमिट जो इनर लाइन परमिट होता है वो तो आपको एंटर करते ही वहाँ पे मिल जाएगा, और सेकेंड जो है बुमला पास के लिए लगता है, और वो वन डे बिफोर या दो तीन दिन पहले आके अप्लाई करो, और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर बाइक या कार रहेगा तो उनका RC एंड इंश्योरेंस, वो सब सबमिट करके पहले DC ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, फिर वो सब उधर से अप्रूव होने के बाद आपको 5-6 बजे तक जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे जो ब्रिगेडियर है उसके साइन के लिए वहाँ पे रखना पड़ता है, फिर मॉर्निंग में कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमारा परमिट जो है वो फर्स्ट चेकआउट पे रखा है, तो वहाँ से जाके हम कलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ से आगे 20 किलोमीटर के बाद वाई जंक्शन आएगा, वहां से बुमला पास एंड शंगस्तर लेक के लिए दो अलग रास्ते जाते, तो वो याद रखना। अभी हम और थोड़ी हाइट पे जाने वाले हैं, और आप बस आगे आगे देखो व्यूज कैसे चेंज होने वाले हैं। जो आपने लास्ट वीडियो में देखा हम जा रुके थे, वहाँ परमिट चेक होता है जो आपको बुमला पास के लिए एक दिन पहले निकालना पड़ता है, एंड यहाँ वो चेक करना होता है। एक्चुअली हमारे साथ स्कैम हुआ या नहीं ये हमें भी नहीं पता। जिस एजेंट को हमने हमारा परमिट निकालने बोला था वो बोला कि जहाँ परमिट चेक होता है वही आपका परमिट सबमिट करके रखा है, बस नाम बता के वो आपको दे देंगे। बट जब हम यहाँ आए तो हमें सोल्जर्स ने बोला कि ऐसा कोई परमिट यहाँ रखा नहीं है, एंड वहाँ नेटवर्क भी नहीं था कि हम उसे कॉल करें। बट सोल्जर्स अच्छे थे, हमें पूछा कहाँ से राइड करके आए हैं, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया आगे जाने के लिए, वरना वापस पीछे आना पड़ता। तो वो आप परमिट के लिए पहले ही ध्यान रखना, कैब या होटल वालों से ही बना के परमिट लेना, और वो हाथ में लेके ही यहाँ पे आओ। सेकेंड थिंग ये कि आप रेंटल कार से नहीं जा सकते, वहाँ यूनियन है तो वही आपको कार यूज़ करनी होगी। बाकी बाइक्स के लिए तो कोई रूल नहीं है, वो अलाउ करते। हम अभी एक गुरुद्वारा है रास्ते में, वहाँ पे रुके, थोड़ा चाय एंड बिस्किट खाएंगे। यहाँ पे सोल्जर्स ने चाय, बिस्किट एंड गर्म पानी रखा है, वो भी बिना कॉस्ट के। पेट्रोल पंप बघाल तो पण पेट्रोल पंप सापडला काय करतो यार? तीन काढा जाते खाली खाली का साथ तीच आहे। आज हम सब काम उल्टा ही कर रहे, निकलते वक्त पेट्रोल भी चेक नहीं किया, अभी बस तीन गाड़ी दिखा रही है, एंड अभी देखते बस नीचे पहुंच जाए कैसे भी, क्योंकि यहाँ अभी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। कितना स्नो है देखो, एंड हमारे हीरो कैसे यहाँ मस्त वॉक कर रहे इतनी ठंड में। सैल्यूट है आपको सर। तो अभी हम पहुंच गए शंगस्तर लेक, ये पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा वहाँ पे लिखा है वही तो शंगस्तर, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो गलती से ये इसकी वजह से यहाँ पे आ गए, नहीं तो पहले बुमला ही जाना था। तो ठीक है, अभी आगे 10 किलोमीटर था, कभी शंगस्तर देख लेते बस।
संगतसर लेक को उर्फ माधुरी लेक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माधुरी का मूवी शूट हुआ था यही पॉइंट पे, वहाँ पे देख रहे हैं माधुरी पॉइंट लेक। और यहाँ पे व्यूज बहुत ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे जाके, और ठंडी भी है। वो अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताना कि रंतीपुड़ा पॉइंट नाम कैसे आया, यहाँ कौन सी उनकी मूवी शूट हुई है। यही है वो गुरुद्वारा जहाँ हम जाते वक्त रुके थे, तब पता नहीं था कि हम गलत जा रहे। हम पहले बुमला पास जाना था, तो आते वक्त आपको वाई जंक्शन पे राइट लेना है बुमला पास के लिए, एंड परमिट वहाँ भी चेक करते। बट फिर हमने हमारी स्टोरी बताई एंड इतना हम बाइक से आए तो हमारा इनर लाइन परमिट को नोट किया वहाँ पे, एंड हमें अलाउ किया आगे जाने के लिए। ये देख के मुझे थोड़ा गैंगटॉक की नथुला पास जैसे फीलिंग आ रही थी, बट यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी लेक है और सिक्किम गैंगटॉक में उतनी नहीं। और वो लेक तो देखो अभी भी थोड़ी फ्रोजन है। वाह व्यूज तो देखो, बट ये भी एक फीलिंग है कार के अंदर बंद विंडो में ऐसी जगह पे आना और बाइक पे आना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वाह वाह मिडल में देखो एक टेम्पल है शायद। अभी हम नहीं रुक सकते, आते वक्त देखेंगे, क्योंकि अभी रास्ते में अकेले है तो यहाँ से जितना जल्दी हो बुमला पास पहले पहुँचते। वाह ये देखो इग्लू जैसे घर, यहाँ पे भी कभी एक नाइट स्टे करके एक्सपीरियंस लेना है। तो हम हैं अभी बुमला पास, और यहाँ पे बहुत सारी स्नो है और ठंडे भी बहुत ज़्यादा है। पूरा हाथ देखो फ्रीज हो गया था पूरा, मैं चला रहा था अभी गाड़ी तो ग्लोव्स पहना था, तो भी पूरा आगे का फिंगर जो भी पूरा जल रहा था। तो बहुत मस्त व्यू है, यहाँ पे जाके आते हैं अंदर, पहले बुमला पास हो बॉर्डर देख के आते, फिर आपको बताता हूँ यहाँ का इंफॉर्मेशन। आई लव बुमला, यहाँ पे पार्किंग है और उधर आगे जा रहे हैं। हाउस द जोश, ओके खत्म हो गए। तो यहाँ पे वेटिंग है, यहाँ पे भी परमिट चेक होता है एंड उसी के नंबर के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं एंड एक एक ग्रुप को अंदर छोड़ते। तो ये है लास्ट ग्रुप, और हमें यहाँ पे भी थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी तभी हमें अंदर अलाउ किया।
कैमरा ज्यादा पास लेने को अलाउ नहीं है, तो भी यहाँ से देखो वो रही चाइना बॉर्डर और वहाँ पे वो चाइनीज सोल्जर। तो ये भैया लोग है ईटानगर से, ये भी हम लोग मिले, हम लोग साथ में हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। उन्हें तो कितने दिन से आया हूँ। हाँ अरुणाचल से। हाँ सो दोस्तों, अच्छा मिलके अच्छा लगा, दोनों को मिलके बहुत ही अच्छा लगा, हमको भी मिलके बहुत अच्छा लगा, हम लोग सब साथ में। ये इसका भी यूट्यूब चैनल है, इधर वो लोग कैब से है। तो अभी हम लोग आ गए बुमला विजिट करके, तो ये बुमला पास है और वहाँ जो है वो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे मैगी और हमें कॉफी भी मिला आर्मी की तरफ से। और फिर थोड़ा देर रुकते ग्रुप्स बनाते, सबको नंबर देते परमिट के हिसाब से, और फिर ग्रुप के हिसाब से अंदर एक मेजर या आर्मी सोल्जर लेके जाएंगे और फिर वहाँ आपको पूरा ब्रीफ करेंगे कि जो भी 1962 में वॉर हुआ है, और थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ का कि यहाँ कैसे रहते, कैसे सर्वाइव करते। और आज के जो हमारे मेजर थे वो बहुत मजा किए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। पहले हमें लेके नहीं जा रहे थे बॉर्डर तक, क्योंकि वहाँ मीटिंग चालू था चाइना की तरफ, तो हम लोग जैसे बाहर आए और मीटिंग भी ख़त्म हुआ तो वापस मेजर ने हम सबको आवाज़ दिया, बुलाया और फिर वापस हमें अंदर लेके गए। तो पूरा जैसे अभी ये येलो लाइन है, इधर चाइनीज सोल्जर खड़े रहेंगे और इधर हम, तो चाइनीज सोल्जर से हैंडशेक भी करने मिलते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ बुमला पास में, और बहुत नज़दीक से हुआ और बहुत सारी स्नो है यहाँ पे। तो ये चाइनीज टाइम है, अभी 4 नहीं बज रहे, ये चाइनीज टाइम है हमारे यहाँ में भी 1 बजे के आसपास बज रहे हैं अभी। ये देखो क्या कर रहे हैं। तो चलो निकलते अब यहाँ से, हम ही लास्ट में बाकी है, सब टूरिस्ट कब के चले गए। रास्ते में हम कहीं नहीं रुक सकते क्योंकि थोड़ा वेदर खराब होना चालू हुआ। तो वो है पिटिसो लेक, रास्ते में बहुत सारे लेक दिखे, अभी यहां से बस थोड़ा रुकेंगे और निकलते। ना बारिश स्टार्ट हो गया और ये देखो इंडियन जुगाड़ मेरे पास नहीं रेनकोट। ये है सेला टनल, रिटर्न जाते वक्त हम सेला टनल से जाएंगे, थोड़ा इजी एंड किलोमीटर भी कम हो जाएंगे। अब डायरेक्ट हम जा रहे हैं दिरांग, यहाँ से नॉनस्टॉप जाएंगे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है एंड रास्ते में भी कोई नहीं है। टनल से बाहर आते ही इतनी फॉग, बट यहाँ अच्छा है थोड़ा इंडिकेटर एंड वाइट लाइन, तो एटलीस्ट दिख रहा है रोड कहाँ पे है। फाइनली भी 7:25 हो रहे हैं और हम लोग दिरांग पहुंच गए। आज का भी ट्रैवल बहुत हार्ड था और लास्ट परसों जब थे तब वो होटल में स्टे किया था, अभी उधर रूम फुल है तो उन्होंने बाजू वाले में एक रूम दे दिए। हमने पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया उनको कि आ रहे, नहीं तो रूम होल्ड करके रखते। आज का भी राइड डेंजर था, आपने देखा रहेगा पूरा फॉगी रोड, बीच में बारिश हुआ और हम लोग कितने 3 बजे निकले तवांग से और अभी 7:30 आ गए। बहुत बस लंच के लिए बीच में रुके थे तब और रेनकोट पहनने रुके तब, बस बाकी कहीं नहीं रुके, नॉन स्टॉप गाड़ी चले। अभी हम दोनों रूम में आके पागल जैसे हंस रहे थे कि क्या डिसीजन लिया आज तवांग से दिरांग आने का, वाट लग गया पूरा, अभी लेग्स वगैरह पूरा दुख रहा है। कोई नहीं, आज थोड़ा स्ट्रेच किया हमने तो कल थोड़ा सा, कल मैं तो तवांग से डायरेक्ट काजीरंगा या गुवाहाटी जाना बहुत हार्ड हो जाता, तो आज हमने वो 100 किलोमीटर 100 से 120 किलोमीटर आज कवर कर लिया, तो कल थोड़ा इजी रहेगा। चलो अभी फ्रेश वगैरह होते, लंच तो हमने 4 बजे किया, तो अभी बस थोड़ा कुछ 8 बजे आ तो सब शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाएगा, तो देखते कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ थोड़ा खाएंगे
रेस्ट करते फिर निकलते सुबह वापस।